Morning students, myself Sachin Lal, PhD Mathematics, and this video is brought to you by MLNC in the school client. So, आज हम seventh class में जो exercise 8.2 है, उसका third question करेंगे. Question है, first और second question हमने कर लिया है पहले. Third question देखिए. आपको diagram में, जैसे diagram देते हैं. तो आपको बताना है ये जो शेडेड पोर्शन है ये कितना है और परसेंटेज में बताना है कितना परसेंट है, ठीक है. तो बी पोर्शन दे रखा है आपको ऐसे, देखिए ये एक्चुअली क्वाड्रेंट हो गया, मतलब ये फोर्थ पार्ट है. तो एक पार्ट यहाँ पर बनेगा, अगर मैं इसको कंप्लीट करता हूँ पोर्शन को ऐसे बनेगा. तो देखिए चार में से एक पार्ट है, तो जो शेडेड पोर्शन है वो कितना है, 1/4, क्योंकि 1 है आउट ऑफ 4 में से 1 है. तो आपको बताना है परसेंटेज में कितना है, फ्रैक्शन में नहीं होगा, 1/4 परसेंट में कितना है. परसेंट का मतलब जैसे कि मैंने बताया था परसेंट, सो में से मल्टीप्लाई कर दीजिए 25%. तो इसका मतलब मतलब जो सेट के पोर्शन है वो कितने परसेंट है, 25%, ठीक है. इस क्वेश्चन में देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5 पार्ट्स हैं, इसमें से 1, 2, 3 पार्ट सेटेड है, इट मीन्स 3 out of 5. तो आपको बताना है कि फ्रैक्शन में हो गया कितना पोर्शन हमारा जो है वो क्या है सेटेड है. अब आपको बताना है कितने परसेंट है, तो परसेंट के लिए मल्टीप्लाई कर लीजिए 100 से, 5 से 20, 23 इज ना 60, तो मतलब आप इसमें कहेंगे कि 25% एरिया है जो शेडेड है इसमें कितना है 60%, ठीक है. तो ऐसे करना आपको थर्ड क्वेश्चन. इसके बाद देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन. ठीक है, तो जो
इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगर नेक्स्ट वीडियो में, इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।